प्लीज सारे अटेंडेंस मार्क कर दें। सर चैट इनेबल कर दें। ओके पब्लिकली जी अटेंडेंस कर। सब ने अटेंडेंस मार्क कर दी। ठीक है जी। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, या आप डॉक्यूमेंट चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा आप ओपन करें। ऑल राइट जी, सो व्हाट डू वी वांट टू डू? आई डोंट वांट अब कोई भी मैसेज कर सके। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है? बेसिकली हमने हमने ये बनाया था, ठीक है, और अभी तक क्या काम हो रहा था? अभी तक ये काम हो रहा था कि अगर जब मैं इसको चलाता था तो ये एक डॉक्यूमेंट था इसके अंदर जो ये ओपन करता था, जो हमने यहीं पर पेस्ट किया था। तो लेट मी शो इट टू यू। ये एक डॉक्यूमेंट था डीज डॉट टीएक्सटी के नाम से। इसमें ये पड़ा हुआ है नंबर ऑफ लाइंस, ये इसमें लिखे हुए हैं। पहली लाइन पे एबीसी लिखा हुआ है, दूसरी पे डीईएफ लिखा हुआ है, फिर जीएचआई लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोड वगैरह क्या किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। और करता यह है कि जब चलाता है तो ये इस वक्त कर्सर पहले लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होता है, और हम चाहें तो बेसिकली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। हाँ जी, इससे राइट मूव होना चाहिए। नो इससे सर, नहीं वो नहीं जाएगा। होना चाहिए, तो ये राइट मूव हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? सर अगर साइज के बराबर हो जाए तो वो कॉलम 0 हो जाए और रो प्लस हो जाए। ये कहाँ चेंजेस करें? सो बेसिकली चले मैं आपको ये चेंजेस तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं छोटे छोटे बग्स हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो लुक एट दिस। मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया था अभी तक? स्ट्रक्चर ये बनाया था कि ये मेरा टेक्स्ट एडिटर डॉट एच है, से मैंने लाइन की क्लास बनाई थी इसके अंदर, और इसको मैंने डॉक्यूमेंट का और टेक्स्ट एडिटर का फ्रेंड बना दिया था। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड बनाने से क्या होता है? प्राइवेट उसको एक्सेसिबल, प्राइवेट भी यूज कर सकता है। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। इट्स ए वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन आप एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको फ्रेंड बना दिया। ये आपका कैर स्टेरिक सीज है और ये साइज है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके दो एट्रीब्यूट थे। ठीक है ना, और एक मिनट मैं पावर पॉइंट चला दूं। सो क्लोज, इसको हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। सॉरी, डुप्लीकेट। अच्छा जी, तो ये लाइन या कंसेप्टर था, ये कुछ भी नहीं करता। ये साइज सीज को एक साइज की अरे बनाता है, नल से इनिशियलाइज करता है और साइज को जीरो कर देता है। ठीक है, ये कॉपी का सेक्टर हमने बनाया था, इसकी अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन हमने बना लिया था। ठीक है, ये कभी भी हमने एक लाइन को दूसरी लाइन पे कॉपी करना हो तो वो हम ये यूज कर सके। ठीक है, जी, इसमें और इसमें कोई इश्यू है तो बता दें। ये मैंने, या आप थोड़े प्लीज पढ़ लें ये मैंने कोड क्या लिखा था। एक मुझे फोन अटेंड करना है जी, ये पढ़ लें, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? हाँ जी,
जी कोई बता सकता है? हाँ जी बताएं। तो ये हमने कॉपी सेक्टर बनाया था जो डिटो कॉपी बना लेता है, ठीक है? तो वो सीज को एक नई अरे बनाता है ए एल डॉट साइज प्लस वन। प्लस वन क्यों किया था हमने? हमने प्लस वन क्यों किया था? नल कैरेक्टर पाने के लिए, क्योंकि नल कैरेक्टर भी रखवाना था, ठीक है ना? तो अगर ए बी सी है तो ए बी सी नल रखवाना है। तो हमने साइज प्लस वन की अरे बनाई, साइज प्लस इक्वल किया और हमने लूप चलाया लेस देन और इक्वल टू साइज का, ठीक है? और नल भी कॉपी कर दिया, ठीक है? फिर इससे हमने कैरेक्टर एट इंसर्ट कैरेक्टर एट लोकेशन आई बनाया और आई कैरेक्टर के ऊपर ये कैरेक्टर ऐड कर दे, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया? अच्छा आप एक बात बताएं, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा सकते हैं हम? बताना है मुझे आपने, कॉन्स्ट लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ठीक है? ये मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ उस पर। हाँ जी, ये एक ही परे नहीं बनाता है क्योंकि आईएस लोकेशन पे ऐड करना है, तो पहले तो ये एक ही परे बनाता है जो कि उसके साइज से एक ज्यादा साइज की होती है, ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं कि पहले आई से कम कम वाले सारे कॉपी कर देते हैं, फिर आईएस इंडेक्स के ऊपर ये सी एच रख देते हैं और फिर ये लूप शुरू करते हैं अगेन आई से साइज तक का, लेकिन अब ही परे के रखवाते सी आई प्लस वन पे क्या है, सी आई करेक्ट रखवाते, ठीक है? और डिलीट सीज कर देते हैं, सीज को एच ए के बराबर कर देते हैं और साइज प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं ये कॉन्स्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम एग्जैक्टली हम दोनों के दोनों एट्रीब्यूट उसके चेंज कर रहे हैं। हम ना सिर्फ ये कि सीज को चेंज कर रहे हैं लाइन के, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साइज को भी चेंज कर रहे हैं और को भी चेंज कर रहे हैं। तो इट डजंट मेक सेंस कि हम इसको क्या बनाएं, हम इसको कॉन्स्ट बनाएं, ठीक है? तो मैं ये कॉन्स्ट यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है जी? सो जस्ट वेट फॉर ए मिनट, एक मिनट सॉरी। आई थिंक दिस इज लाइक दिस। ओके तो यहां पे कॉन्स्ट नहीं आएगा, ठीक है जी? ऑल राइट। उसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट की एक क्लास बनाई थी, इसके अंदर हमने इसको टेक्स्ट एडिटर का फ्रेंड बना दिया था, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट एडिटर ने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, इसके एट्रीब्यूट एक्सेस करना है। और ये लाइन टाइप का पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है एक अरे को, और कितने साइज की अरे को, जितनी मेरी उस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ लाइन था, ठीक है? और एक स्ट्रिंग है जो इसने नाम रखा है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है ताकि ये यूज करना हो तो यूज कर, ठीक है जी? इसको क्या पास होता है, एक फाइल नेम पास होती है, ये नंबर ऑफ लाइंस को शुरू में जीरो से इनिशियलाइज कर देता है और लोड एफ नेम कॉल कर देता है, ठीक है जी? और लोड क्या करता है, लोड आते के साथ ही पहले तो डी नेम में जो भी फाइल नेम आया होता है वो सेव करता है और फिर क्या करता है, ये एक रीडर बनाता है, नंबर ऑफ लाइंस के अंदर वो रीड कर लेता है जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ठीक है? सो एक काम करते हैं ना, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सो ऐड एन एग्जिस्टिंग आइटम और इसमें जाके डीज डॉट टी एक्स टी भी ऐड कर देते हैं। और एक काम और करते हैं कि वो राइट किसके ऊपर करता है, राइट किसके ऊपर करता था, राइट डी के ऊपर करता था, ठीक है ना? तो ये कर सेम फाइल पे नहीं राइट करवा सकते, सेम पे भी राइट करवा सकते हैं आप, इसी पे ही राइट करवाना है, इसी पे राइट करवा लें, ठीक है? दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है? उसके अंदर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी भी देख लेते हैं, ठीक है जी? और हमने क्या किया था, नंबर ऑफ लाइंस उसके बराबर आ गई। सबसे पहला काम ये किया कि एल्स इज इक्वल टू न्यू लाइन बना दिया और कितनी लाइंस एलोकेट कर दी। तो ये बेसिकली तस्वीर बनाई थी मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है? कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट एडिट। तो ये बेसिकली हमारा होता है, ये हमारा है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है? ए डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली ए डॉक्यूमेंट का पॉइंटर यहां पड़ा हुआ है, जो टेक्स्ट एडिटर के पास पड़ा हुआ था। ये एलोकेट होता है, यहां आता है, इसमें एल एनओ एल में क्या पड़ा होता है, जितनी मैंने नंबर ऑफ लाइन एलोकेट की,
उसका काउंट, और ये बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है इसको, और यहां पर ये जो सीज है ये पॉइंट कर रहा होता है किसको, एक हीप अरे को जिसमें लिखा होता है क्या ए बी सी, ठीक है, और ये जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा डी ई एफ, ठीक है। ये डी ई एफ वगैरह कहां पे एलोकेट हुए होंगे, जी एफ जी एच आई, हाँ जी, ये कहां कहां पे एलोकेट हुए होंगे, और इस वक्त साइज की वैल्यू यहां पे भी थ्री है, यहां पे भी थ्री है, और यहां पे भी थ्री है, जी ये अरे, ये अरे कहां बनी हुई है, ये अरे ऑफ कोर्स किस पे जाके बनी हुई है, हाँ जी, ये हीप पे बनी हुई है, तो ये बेसिकली ऐसे पड़ी हुई है, ये सिंगल कैरेक्टर, फिर ये सिंगल कैरेक्टर, और ये फिर बैक स्लैश जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह पड़ा हुआ, सही है, साइज की वैल्यू थ्री है, ठीक हो गया। अच्छा मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जब हम एक कैरेक्टर ऐड करने को कहते हैं तो क्या इसमें चेंज आता है, और लेट्स इसका क्या एड्रेस है, लेट्स से 0x100, अच्छा बाय द वे क्या क्या चीज हीप में पड़ी हुई है, क्या क्या चीज स्टैक में पड़ी हुई है, अच्छा आप एक और बात बता देता हूँ आपको मैं, सो लुक एट दिस, ये हम बारी बारी क्या करते हैं, आर आई इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं, सी आई इज इक्वल टू जीरो, यानी शुरू में नंबर ऑफ रोज जीरो है, सी आई जीरो है, और हम क्या करते हैं बारी बारी रीडर डॉट गेट करते हैं, गेट एक करेक्टर रीड करता है, ठीक है, फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग जस्ट वन करेक्टर, ठीक है, और याद रखें इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, ये जो गेट होता है ना ये नहीं करता, स्पेसेस को इग्नोर नहीं करता, ठीक है, ये हर एक करेक्टर उठाएगा। अच्छा उसके बाद हमने देखा कि कहीं इफ नॉट रीडर का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर वो रीड कर सका या नहीं, अगर वो नहीं कर सका, ठीक है ना, इफ नॉट रीडर यानी इफ ही इज अनएबल टू रीड तो वो ब्रेक कर दे, ये तो उस लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक हो गया। और यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या वो बैक स्लैश एन तो नहीं है, अगर बैक स्लैश एन है तो रो आई में इंक्रीमेंट बाय वन कर देते हैं और सी आई को जीरो कर देते हैं कि भाई एक रो खत्म हो गई, ठीक है, और सिमिलरली यहां पर आते हैं एंड एल्स में जाते हैं और यहां जाके हम इसको भी ऐड कर देते हैं, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, और यहां पे हम जो भी कैरेक्टर आता है उसे कहते हैं हाँ भी इंसर्ट ए कैरेक्टर, किस जगह पे रीड कर दो, आर आई सी आई के ऊपर ये कैरेक्टर रीड राइट कर दो, और ये फंक्शन क्या है इंसर्ट ए कैरेक्टर, ये कुछ भी नहीं करता, ये जो एल आई आती है लाइन नंबर आती है उस वाली लाइन पे जाता है, उसका कैरेक्टर इंसर्ट कैरेक्टर एट कॉल कर देता है इसके ऊपर सी आई के ऊपर, ठीक है, जो भी सी आई उस वक्त का होता है, ठीक है, तो ये हमारा लोडिंग का काम ओवरऑल हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट के लोड का काम हो रहा है, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट क्या करता है, इसमें हम कहते हैं जी उसी फाइल को डी नेम को ओपन करो और उसमें बेसिकली जाके ये वाली फाइल रीराइट कर दो, ठीक है, तो वो फाइल रीराइट होती जाती है, ठीक है, तो और फिर हमने टेक्स्ट एडिटर की क्लास बनाई थी, और टेक्स्ट एडिटर में हमने क्या किया था, एक सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप का एक पॉइंटर बनाया था, ठीक है, और यहां पर हमने टेक्स्ट एडिटर बनाया और यहां पर हमने वॉइड एडिटिंग टूल है हमारा, ठीक है, एडिटिंग हमारा फंक्शन है, सो ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर ये करता है कि जो भी आपने फाइल नेम दिया होता है वो वाला फाइल नेम ओपन कर लेता है, तो उसे करने के लिए क्या करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, तो लुक एट दिस, सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो वो डॉक्यूमेंट बनाता है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाता है, उसमें डी नेम पार्स कर देता है जो फाइल नेम आई होती है और इसका प्रिंट कॉल कर देता है, ठीक है। अच्छा इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के यहाँ पर आप एम परसेंट लिखते हैं, ठीक है, ताकि कॉपी ना बने एम ही, वरना फिर ना वो कभी कभी वो बार बार कॉपी बनती हुई जा रही होती है, तो इसके साथ ना आप क्यों बनाए, जरूरत नहीं है इसको करने की, ठीक है जी। और यहाँ पे हम एम परसेंट ही भेज देंगे, ये भी कर देंगे, और हेडर फाइल में गए, यहाँ जाके यहाँ पे भी जाके हमने ये कर दिया, ठीक है जी। शायद एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये आया कि मेन में जाके अब वो शायद ये ना चला सके, ये चला देगा, हाँ ये कह रहा है एफ नेम इज आइडेंटिफाइड, इसका नाम है जी डी नेम, इसका नाम है डी नेम,
ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड, बिल्ड हो गया ठीक है जी। और ऑफ कोर्स ये इसमें मसला आ रहा है ठीक है जी। तो ये हमने प्रोग्राम चला लिया, और अगर मैं यहीं पर ही लिखना शुरू कर दूं तो वो लिखना शुरू कर देता है। कैसे लिखना शुरू करता है, मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल सरफराज लिखता हूँ तो ये सरफराज लिखा जाएगा ठीक है, और यहाँ मैं रोक दूं तो ये देखो वो कह रहा है कि डी डॉट टी एक्स टी हमारी जो है वो अपडेट हो गई है। क्या मतलब इसका, आपने रीलोड करना है इसको? यस मैंने रीलोड करना है। तो मैं अब जाकर डी डॉट टी एक्स टी में देखूंगा तो वो यहाँ पे सरफराज लिखा जा चुका हुआ है, ये देख रहे हैं आप ठीक है। तो जो जो मेहमान लिखते जा रहा हूँ वो यहाँ पर लिखते जा रहा है, ये बात समझ में आ गई ठीक है। यहाँ पे सरफराज लिख देते हैं, यहाँ पर हम निम्रा लिख देते हैं, यहाँ पे हम सारा लिख देते हैं ठीक है, वगैरह वगैरह ठीक है ठीक है। Does it make sense? Yes sir. Yes sir. नहीं तो लिख देते हैं वगैरह ठीक। छोटा सा मसला हो रहा है, मुझे लगता है कि मसला हो रहा है कि इसको मीरब मैंने लिखा है ना, तो इसको कर्सर को यहाँ होना चाहिए था, कर्सर दो करेक्टर आगे क्यों है, है ना? ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? फिर से लिखे। So look at this, यहाँ पर है, मैंने लिखा डी एफ जी एच, अब ये सही लिख रहा है ना, एच आई जे और के ठीक है। अब मैं ऊपर गया और यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा अब सही कर रहा है, अब सही कर रहा है ठीक है ठीक है। फिर शायद कोई ग्लिच हो, आई डोंट नो क्या मसला है, बट लेट मी राइट अगेन। यस लोड कर लेते हैं, तो ये हमारी फाइल बनी पड़ी है ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके दोबारा जाके ऐड करता हूँ, असने अपडेट पुरानी वो नई वाली में राइट करता है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ निम्रा, और फिर लिखता हूँ सरफराज, फिर लिखता हूँ सारा ठीक है। ये सही कर रहा है, कोई मसला नहीं ठीक ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस ठीक है, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे हम लोड कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी फाइल दिखा रहा है ठीक है। डज इट मेक सेंस सो फार सो गुड, अभी तक कोई इशू तो नहीं है, अभी तक कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ठीक है अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल बड़ा सिंपल सा है कि लेट्स से कि ये मेरी एक फाइल थी ठीक है, और इस पे अभी तक मेरी नंबर ऑफ लाइंस इतनी ही हैं ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ ठीक है, कंट्रोल एस, मैंने इसको चलाया जाके। अच्छा बाय द वे मैंने आपको ये दिखाया ही नहीं, यस जो एडिटिंग है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, एडिटिंग के अंदर हमने ये किया था कि हमने ये कर्सर हमने गो टू रो कॉलम लिख दिया 00 के, टेक्स्ट एडिटर जब भी हमारा लोड करने के बाद क्या करे वो, अच्छा बाय द वे लोड करने के फौरन बाद हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाए ठीक है, तो फाइल पे रीराइट भी कर देता है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसका गो टू रो कॉलम 00 करते हैं, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो बेसिकली सबसे आखिर में चला जाए, शुरू में चला जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने केबी हिट लगाए हुए हैं, केबी हिट का मतलब है कोई की प्रेस तो नहीं हुई, अगर कोई की प्रेस हुई है तो वो की हम रिसीव करते हैं और चेक करते हैं वो की कोई स्पेशल करेक्टर तो नहीं है, अगर वो स्पेशल करेक्टर है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कोई खास काम तो नहीं कहा, मैं एरो की में कोई प्रेस तो नहीं करती फॉर एग्जाम्पल, तो एरो की का कॉम्बिनेशन क्या होता है 224 और अप एरो का की का क्या होता है 224 and 72, तो उसके केस में हमने क्या किया हुआ ये काम किया हुआ ठीक है। अच्छा अभी हमने एक बग देखा था और वो अच्छा और बाद इसी तरह हमने लगाया हुआ है, अच्छा ये हमने क्या किया था कि अगर वो जीरो रो के ऊपर आ जाए तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है ठीक है ना, तो सी आर इफ सी आर इज ग्रेटर देन जीरो तब तो वो डिक्रीमेंट करे वरना उसे डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये देखें यहाँ पर आए, यहाँ पे अगर उसकी डी की वैल्यू 80 है इसका मतलब है इट्स ए डाउन एरो, और डाउन एरो में हमने देख लिया कि कहीं उसकी वैल्यू सी आर की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस -1 के बराबर तो नहीं आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? जब वो आखिरी लाइन पे आएगा तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात ठीक है, और साथ हमने ये चेक लगाया हुआ था, ये किस लिए चेक था, ये चेक किस लिए लगाया था, और यही चेक हमने ऊपर भी लगाया था, या ये चेक किस लिए लगाया था? हाँ जी बताएं।
कि अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं और ऊपर वाली लाइन में 10 कैरेक्टर लिखे हुए थे, नीचे वाली लाइन में से 3 कैरेक्टर लिखे हुए थे, तो जब मैं डाउन एरो प्रेस करूं तो उसको 10वें कैरेक्टर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उस लाइन में 10 कैरेक्टर है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके अगर नेक्स्ट लाइन के सर साइज पे चल जाएगा, यहां पे जाता हूं, यहां पे जाके ये लिखता हूं और यहां पे जाके मैं ये लिखता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन पे हूं, जे के नीचे एरो करूं, तो उसको यहां नहीं आना चाहिए बल्कि यहां आना चाहिए। तो मैं देखेंगे कि जो ये कैरेक्टर का कॉलम इंडेक्स है वो कहीं इसके साइज से बड़ा तो नहीं है, और साइज से बड़ा है तो उसके साइज के इक्वल कर, ठीक है। एक्चुअली शायद साइज माइनस वन के इक्वल होना चाहिए, और मुझे लगता है मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे साइज माइनस वन नहीं होना चाहिए, यहाँ साइज होना चाहिए, साइज माइनस वन होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, और इसी वजह से, और इसी वजह से ये गलती भी हो रही है मेरे ख्याल में, वो ये कि ठीक है तो यहाँ पर यहाँ आ गए, 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 तो ये यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है जी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है, सो दिस इज फाइन, और यहाँ आ गए। अच्छा, एक हमारा और गलता हो रहा था, और वह था कि अगर मैं लिखते लिखते यहां आ जाऊं और मैं राइट एरो प्रेस करूं, जी निम्रा क्या होना चाहिए यहां? नीचे आ जाना चाहिए। हाँ, एक तो दो चेंजेस, तो दो चेंजेस होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए, कोई बता सकता है? क्या बाश, एक चेंज नहीं, दो चेंजेस है सर, नेक्स्ट लाइन पे, एक तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, दूसरा कॉलम जीरो हो जाए, और कॉलम जीरो, वेरी गुड। तो हमने ना थोड़ा सा केयरफुली इसको देखना है कि अगर मैं सोफर ना मैं राइट एरो प्रेस करता हूं, राइट एरो का मतलब मैंने कॉलम प्लस प्लस किया हुआ है, तो नाउ आई हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, और वो क्या होगा? तो अगर मैं कॉलम इंक्रीमेंट करता हूं और वो किसके बराबर आ जाए, तो इफ इट इज इक्वल टू व्हाट, इफ सी सी इज इक्वल टू व्हाट, डबल इक्वल टू क्या सर? ए डॉक्यूमेंट, जिस लाइन पे आप हैं, इस डॉक्यूमेंट की जिस लाइन पे आप हैं उसका डॉट साइज के इक्वल हो गए हैं या इक्वल से एक ज्यादा हो गए? जी अगर एबीसी लिखा हुआ है तो मैं 0, 1, 2 और 3 तक जा सकता हूं, क्योंकि मैंने हो सकता है पूरी लेंथ के बाद राइटिंग करनी, ये बात समझ आई? तो अगर वो इक्वल टू है तब तक मसला नहीं है, हाँ अगर वो प्लस वन के इक्वल हो जाए तो नाउ इट्स अ ट्रबलिंग पॉइंट, तो क्या करें जी, क्या करना चाहिए? हाँ जी आप बताइए, कॉलम सी सी जीरो हो जाएगा, सी 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 हो जाएगा, सी सी जीरो हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पहली बात थी, और क्या हो जाएगा? सी आर विल बी प्लस प्लस, ठीक है, डज इट मेक सेंस? और सिमिलरली एक और काम भी होना चाहिए, अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए? हाँ जी कोई बताए आप जी, लास्ट लाइन के साइज पे आ जाएगा। एक मिनट, अगर मैं माइनस माइनस करता हूं, निम्रा, मीरा, सना, आप भी तीनों यहां पर हैं जी? मैं हूं। यस सर, मैं भी हूँ जी। आप बताएं आपको हाल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, अगर सी सी माइनस माइनस करते हैं और क्या हो जाए तो मुझे पिछली रो में आ जाना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हूं, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो क्या होगा? हाँ जी बताएं, अगर मैं एस इस लाइन तो रो माइनस माइनस होगी और कॉलम साइज हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और पिछली वाली रो किसके ऊपर चला जाए? जबरदस्त जी। सो इफ सी सी इज डबल इक्वल टू जीरो, जीरो या माइनस वन? जी माइनस वन, माइनस वन, वेरी गुड। सो इफ इट इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो इसका मतलब है नाउ आई हैव टू रैप अराउंड टू द प्रीवियस लाइन। और यहां पे हम क्या करेंगे? इफ, हां जी, यहां पे हम करेंगे
सी आर माइनस माइनस, ठीक है, और क्या करेंगे? सी आर माइनस माइनस और क्या होना चाहिए? सी सी विल बी इक्वल टू, अभी निम्रा ने बताया, बताएं कोई और बताए, उसके साइज के इक्वल हो जाएगा सर, पिछले ऊपर वाली लाइन के साइज, वेरी गुड, इसके साइज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, शाबाश, ठीक है, सो लेट सी कि ये हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सो लेट सी, कंट्रोल एफ फाइव, ठीक है, सो ये मैं आया निचले लाइन पे आया और मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूं, ये देखें जी पीछे आ गया, ठीक है, मैं डाउन एरो किया, मैंने मैंने यहां से राइट एरो प्रेस किया, ये देखिए राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, ये नई लाइन पे आ गया, ठीक है। अच्छा, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम रहता है सर, जब वो लास्ट लाइन पे आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन, वेरी गुड, तो ये अगर लास्ट लाइन पे आ जाए और यहां से मैं राइट एरो प्रेस करूं, देन इट इज ए प्रॉब्लम, व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ठीक है ये यहां पर ये दिखाएगा लेकिन इट विल बी ए प्रॉब्लम, और अगर मैं यहां पर राइटिंग करने की कोशिश करूंगा तो ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा। ये क्यों क्रैश कर रहा है बताएं जी? लेकिन साइज नहीं होगा ना, एंटर हम करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन हो जाती है, एंटर पे बिल्कुल बिल्कुल एंटर करेंगे तब आएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर तो हमारे प्रोग्राम में बग है, एक्चुअली होना ये चाहिए कि अगर वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाए या बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच जाए तो उससे आगे ना जाए अनलेस के वो एंटर प्रेस करे, और एंटर के ऊपर हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, एंटर तो वो कहीं भी प्रेस कर सकता है, वो किसी भी कर्सर पोजीशन के ऊपर अगर एंटर प्रेस कर दे तो हमने कुछ करना है, और वो कुछ करना क्या है वो भी हम डिसाइड करते हैं। और एक और चीज भी हम करेंगे कि अगर हम सबसे लास्ट पे खड़े हुए हैं तो अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि नेक्स्ट लाइन है या नहीं है, लाइक अगर सपोज वो है, अगर उसका पॉइंटर नल, मतलब वहां पे पॉइंटर है, मे बी वो नल हो, लाइक लाइन हो कुछ लिखा ना हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि लाइन हो लिखा कुछ ना हो, तो फिर वो नहीं करेगा क्रैश, फिर वो नहीं करेगा, तो वो हमने देखना है, ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने अबॉर्ट कर दिया, ठीक है जी, यस कर दिया, और अब हम कुछ करने लगे, और वो क्या करें सवाल जी क्वेश्चन, तो अब मेरा सवाल, तो अब हम जो टास्क करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट एडिटर का पहला फेज कंप्लीट होगा, और वो ये है कि मैं किसी भी जगह पर हूं, मैं एंटर प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए? मैं किसी भी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल ये नोट पैड पे हूं, मैं यहां पर हूं और यहां जाके मैं एंटर प्रेस करूं तो क्या हो जाना चाहिए? नीचे चला जाना चाहिए इसके नतीजे में मेरी नंबर ऑफ लाइंस में एक का इजाफा होगा, पहली बात, मेरी नंबर ऑफ लाइंस में एक का इजाफा होगा, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारी एक लाइन का इजाफा होगा, दूसरी बात, तो ना सिर्फ ये कि इजाफा होगा बल्कि कुछ और भी होगा, सो लेट मी ओपन अनदर नोट पैड जी, अगर मैं यहां पर जाके एंटर प्रेस करूं तो उसके नतीजे में क्या होना चाहिए मुझे बता रहे, बताते जाएं, तो क्या क्या टास्क करने वाले हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पे, सो टास्क वन, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज, ठीक है जी, सेकेंड काम क्या होना है, जिस जगह प्रेस किया हमने, नेक्स्ट लाइन जहां पे कर्सर था वहां से लेके एंड तक नेक्स्ट लाइन में कॉपी हो जाएगा, वेरी गुड, सो बेसिकली अगर मैं जे पे जाके प्रेस करता हूं एंटर तो ये वाली सारी की सारी यहां से कट होनी चाहिए और वो नई लाइन पर पेस्ट होनी चाहिए, सो ये बात सुने गौर से, सो द न्यू लाइन, सो द न्यूली एडेड लाइन, लाइन शुड हैव व्हाट, हैव string after the previous cursor, does it make sense? ठीक है, जहां पर भी cursor था उससे आगे का जितना भी आपकी string है वो अगले वाली line पे shift हो जानी चाहिए, ठीक है,
और पिछली और, लाइन जहां कर्सर था वहां तक नहीं बननी चाहिए. वेरी गुड. एक तो ये सारा कॉपी होके नीचे आ जाना चाहिए और इससे आगे जितना भी था वो कट हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए. ये बात समझ में आ गई? यस सर. सो कटिंग द सर उसका साइज, सर साइज भी उसका कम होगा ना, ऊपर वाली का, ऊपर वाली का साइज कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली कम होगा. जी सर. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड. अच्छा अब सवाल, ये कटिंग भी होगी ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी, और दूसरी बात ये एक और काम भी होना, ना सिर्फ ये कि नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होनी है बल्कि जो नंबर ऑफ लाइंस जो एल्स का ऑब्जेक्ट है, सो एल्स विल बी पॉइंटिंग टू हाउ मेनी लाइंस नाउ? NOL प्लस वन. अरे ऑफ NOL नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, जो एडिटेड अपडेटेड तो मेरा नया कॉपी बनेगी, ठीक है ना. ये मैं समझ अच्छा, एक चीज बताएं, एक सवाल है. जी जी. जब हम ये एंटर करेंगे, जब हम ये एंटर करेंगे तो जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग होगी वो तो उससे इमीडिएट नेक्स्ट पे आ जानी चाहिए. बिल्कुल ठीक. तो जो नीचे वाली है वो शिफ्ट होंगी, वो बिल्कुल शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे. अभी आपके सामने शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया. दावर भी शायद कुछ पूछ रहा है. जी जी दावर बताएं. मैं समाप्त नहीं रहता, मैं थोड़ी देर से यही देख रहा था कि जो लाइन हमारे पास लाइन नंबर टू और थ्री है तो पहले वो आगे शिफ्ट होंगी, बाद में जितना होगा वो सारा स्प्लिट होगी और कॉपियों के नीचे आएगी. जी जी ठीक है. ठीक है जी. तो हमने पहला काम तो ये करना है, स्प्लिटिंग का काम करना है. अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो बेसिकली वो स्ट्रिंग, वो लाइन दो लाइनों में कन्वर्ट हो जानी चाहिए. ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये समझ के आ गई बात सबको? ठीक है. यस सर. अच्छा, अब मैं कुछ मजेदार काम करने लगा और वो काम ये है. सो लुक एट दिस. और इससे यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज पता लगेगी, जो कि आपको पता लगेगा पॉइंटर्स कितनी बड़ी कमाल चीज है. ठीक है. अच्छा Look at this. So, मैं पहले काम करने जा रहा हूं जो निहायत ही घटिया काम, फिर उसको हम बेहतर करें. ठीक है. So, look at this. तो पहला तो हमने, और बाय द वे, डू यू एग्री कि हमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें पॉइंटर्स स्वैप करने पड़ेंगे. एक मिनट, ठीक ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये वाली, हमने डू यू एग्री कि हमने यहाँ पे लिखना है, अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो यहां पर हमने कोई काम करना है. डू यू अग्री? यस सर. यहां पर हमने कोई काम करना है. तो यहां पर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, सुने बात. अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो करंट रो इंक्रीमेंट करने से पहले हमें कुछ और काम करना चाहिए, और वो काम क्या होगा, जिस भी लाइन में हो उसे स्प्लिट कर दो. ठीक है ना, स्प्लिट करके दो लाइनों में कन्वर्ट कर दो. ठीक है. सो हम एक काम यहां करने लगे, ये काम कहां होना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, इंसर्ट ए न्यू लाइन वाला काम करना है, कहां करेंगे. तो इंसर्ट ए न्यू लाइन हमने ऐड करनी है, नई लाइन ऐड करवानी है. ठीक है ना. तो बल्कि होना ही चाहिए कि ये काम डॉक्यूमेंट वर्क को करना चाहिए या एडिटर को करना चाहिए, ये बताएं. डॉक्यूमेंट में होगा सर, क्योंकि डॉक्यूमेंट के पास सब कुछ पड़ा है. तो व्हाई नॉट रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट एट दिस लोकेशन, इंसर्ट ए न्यू लाइन एट दिस लोकेशन. बात समझ आई? ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम डॉक्यूमेंट को कहते हैं, भाई तुम्हारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, तुम इस लाइन पे एक नई लाइन ऐड कर दो, इस जगह पे एक नई लाइन ऐड कर दो, बस ये भी हमारा काम है. ठीक है. तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एक बात सुने, बात सुने, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं एडिट डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है. और मैं गया यहां पे डॉक्यूमेंट में, और सॉरी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर डॉट एच, यहां गए, यहां पे जाके डॉक्यूमेंट में मैं एक नया, बिल्कुल इसी फंक्शन के नीचे, इसको मैं सारों को हाइड कर रहा हूं, इंसर्ट ए कैरेक्टर था ना, यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं void insert a new line at. ठीक है. सुने बात गौर से. यहां पर दोबारा से क्या पास होता है, अगेन एक li पास होता है और एक ci पास होता है. क्या इसे कैरेक्टर पास करने की जरूरत है? नो सर. नो,
एक्चुअली इस जगह पर एक नई लाइन क्रिएट कर दो। इसका मतलब क्या है कि इसी का काम है स्प्लिट भी करे और जो भी काम करना है इसी ने करना है, ठीक है जी। और बाय द वे यही फंक्शन हमने वहां पे कॉल करना है। सो ऑल वी हैव टू डू इज कि हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट एडिटर डॉट सीवी में जाते हैं, यहां जाकर इस जगह पर जाके हम करते क्या है, यहां पर जाके बस सिर्फ हमने ये करना है, ए डॉक्यूमेंट जी एरो इंसर्ट ए न्यू लाइन और उसमें हम क्या भेज देंगे, टी आर और सी सी भेज देंगे, दैट सेट। ये करना है हमने, इसके अंदर सारा काम जो है वो डॉक्यूमेंट खुद करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डॉक्यूमेंट, यहां आते हैं, सारा काम इसने करना है। अच्छा आप मेरी बात सुने, पहला काम इसको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करनी चाहिए, डू यू अग्री? यस सर, प्लस वन होगा इसके अंदर। तो हम ऐसा करते हैं, एक हीप बिल्कुल जिस तरह से हम पहले कॉपी करते थे बिल्कुल यही काम हम यहां पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अगेन वही जिस तरह लाइन टाइप का एक पॉइंटर है ना, तो हम लाइन टाइप का एक हीप नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं, इसको हम न्यू करेंगे, लेकिन कितने साइज का करेंगे जी बताएं, एनओएल प्लस वन। वेरी गुड जी, एनओएल सॉरी न्यू लाइन और यहां हो जाएगा क्या, एनओएल प्लस वन, ठीक हो गया, ठीक है। जितना इसका एनओएल है उससे प्लस वन, एनओएल ही है ना, एनओएल है, ठीक है। अच्छा एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा वो ये है कि ये बड़ा मसला हो जाएगा, खैर लेट्स सी क्या करते हैं। अच्छा ये ना हम एक काम करते हैं, वो ये कि हमने ये नंबर ऑफ लाइंस तो बना दी, बट कैन यू टेल मी कि इसके नतीजे में क्या होगा। ये मेरी तस्वीर थी और मैंने फॉर एग्जांपल जाके कहा इस जगह पे जाके एंटर प्रेस करो, तो लुक एट दिस, ये मेरा मैंने येलो उठाया और मैंने कहा कि इस जगह जाके एंटर प्रेस करो, तो क्या होना चाहिए, बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा एक ये हीप डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके अंदर भी ls है, इसके अंदर भी nol है और इसके अंदर भी डॉक्यूमेंट नेम है। आपने करना है तो करें, नहीं करना ना करें मत आपने, ठीक है, अगर आपने वो चेंज नहीं करना। और हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट करवाएंगे जी, हमने बेसिकली ये रीएलोकेशन कर दी है ना, तो नहीं मैं डॉक्यूमेंट बनाना नया या मैं अच्छा नहीं नया डॉक्यूमेंट बनाए या सिर्फ ये जो else पॉइंटर है वो नया बना दे, सर else बना ले वो सिंपल वही हो जाएगा। हाँ यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। सो बेसिकली इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, तो हम बेसिकली एक नया पॉइंटर और फिर उस पॉइंटर एक पॉइंटर को हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां जाता हूं और यहां जाके एक एक नया हीप एल्स बना देता हूं, ठीक है, और ये एलोकेट होगा जिसके अंदर अब चार लाइनें नहीं होंगी बल्कि तीन लाइनें नहीं होंगी बल्कि कितनी लाइनें होंगी, चार हो जाएंगी सर, चार लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, ये जो है के अंदर ये सीज पड़ा हुआ है और ये साइज पड़ा हुआ है, क्या होना चाहिए, ये उसी लोकेशन पे पॉइंट पर आएंगे जिधर था, होना ये चाहिए, होना ये चाहिए था कि एक नया डॉक्यूमेंट बने इसके अंदर ये नई लाइनें दोबारा क्रिएट होंगी, ये अपनी एक एबीसी की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, और इसके अंदर साइज 3 होगा, सॉरी एबी होगा सर, ये एबी होगा क्योंकि मैंने यहां पे जाकर एंटर मारा ना, ठीक है, तो ये नहीं होगा, एबी होगा और साइज यहाँ पे 2 होगा, फिर ये एक और बनेगा इसके अंदर सीज होगा जिसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी होगा और इसका साइज कितना होगा, साइज 1 होगा, और जो ये हैं ये अनएडिट बिल्कुल वैसे के वैसे डिटो कॉपी होंगे, ये क्या हो जाएगा सीज, ये क्या हो जाएगा साइज, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे, यानी ये पॉइंट कर रहा है डी एफ को, इसमें साइज कितना है जी 3 है, ये भी सीज है और ये किसको पॉइंट कर रहा है जी एच आई को, और यहां पे ये भी सीज है और यहां पे जो साइज है वो कितना है, यहां पे साइज पड़ा है, ठीक है।
और फिर हमें क्या करेंगे कि हम ये बेसिकली इसका कोई एड्रेस होगा ना, लेट्स से 0x300 है, तो HLs में 300 पड़ा हुआ है, और इसमें पहले क्या पड़ा हुआ था, इसका एड्रेस पड़ा हुआ था जो कितना था, 0x लेट्स से 100 था, 100 था, लेट्स से 150 था, तो इसमें 0x150 पड़ा हुआ था, तो क्या हो जाना चाहिए अब इसमें किस कौन सा एड्रेस आ जाना चाहिए, इसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद 300 आ जाना चाहिए, यहां पर आ जाना चाहिए 0x300। इसके साइज की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 4 ठीक है ना, प्लस 1 यानी 4 हो जानी चाहिए, ये काम हमने करना है, ठीक है, तो ये काम करते हैं, सही है। अच्छा आपकी आवाज से ना शोर आ रहा है, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, यस यू आर राइट, शोर आ रहा है, ठीक हो गया, यस सर, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, तो बता सकता है क्या करें हम, ये सबको तस्वीर, सबको तस्वीर समझ में आ गई है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द तस्वीर, और बाद में एक काम और भी रहता है, एक और काम भी रहता है, वो क्या काम रहता है, हमने इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट करना है, जब ये डिलीट करेंगे तो कहीं ये भी डिलीट तो नहीं हो जाएगा, वाओ ये तो मसला हो गया, जब ये डिलीट करेंगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो बनाने हैं, ये मुझे काइंड ऑफ डीप कॉपी बनाने थे, है ना, लेकिन वो डीप कॉपी तो नहीं बनेंगे, हाँ बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिटो कॉपी, मैंने इसको तो मैं, ये तो मेरी नहीं बनेगी, ये भी मेरी नहीं बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो एड्रेस है वो ये वाला एड्रेस आ सकता है, ये हम डाल सकते हैं, इसका कोई एड्रेस होगा ना, कोई भी इसका एड्रेस है, इसका भी कोई एड्रेस है, तो मैं लेट्स से इसको कह देता हूँ 50, इसमें कहता हूँ 60, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर 50 पड़ा हुआ है, और इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर 60 पड़ा हुआ है, तो एक तरीका ये है कि इसको भी मैं 50 ही असाइन कर दूँ, इसको भी 60 असाइन कर दूँ, ठीक है, इसको भी 50 असाइन कर दूँ और इसको भी मैं 60 असाइन कर दूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं एक नई कॉपी बनाऊँ और वो इसकी डिटो कॉपी हो, ठीक है, ये बात समझ आ गई, एवरीबडी अंडरस्टैंड या नहीं, ठीक है, तो लुक एट दिस, एक मैं छोटा सा सवाल आपको बताता हूं, हमारी डू यू अग्री कि ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो लाइन हमने बनाई है, इसमें ये एलोकेशन हो रही है, कॉपी हो रहा है, इसमें इसका डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, इस लाइन का डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए, तो और ये करेगा, ये डिलीट कर देगा किसको, सीज को, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये इसको डिलीट कर देगा, और हम अभी अभी एक बड़े गंभीर प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए, मैंने बड़ा सिंपल सा काम करना है, ये जो मैंने इंसर्ट ए न्यू लाइन ऐड करना है, तो मैंने नई लाइन ऐड बना दी, ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ये काम करूँ ना, तो ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगी हमारे, और वो गलती क्या होगी, ये देख लें गौर से, फिर बात, मैं अगर सिर्फ ये काम करूँ, ये काम सुनो बात गौर से, मैं कहता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो लगाओ, आई इज लेस देन, सो लुक एट दिस, आई इज लेस देन, मैं कहता हूँ क्या करो, एन ओ एल लगाओ और आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है, अच्छा, और एन ओ एल्स कर देते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल आई है और एक वेरिएबल आई आई है, बल्कि करते हैं ये हीप आई है, ठीक है, इसको भी मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, सिंपल सा काम करता हूँ, और मैं अभी तक मैं स्प्लिट वाला काम मैंने नहीं किया, अभी मैं कहता हूँ जहां पर भी तुम एंटर दबाओ ना, उसके नीचे एक नई लाइन बन जाए, सिंपल सी एक नई लाइन बन जाए, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल सिनेरियो क्या है, यानी अगर आई की वैल्यू, सो इफ आई इज डबल इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, एल आई के बराबर हो, ठीक है, जिस लाइन पर आपने एंटर दबाया है, ठीक है ना, बल्कि एल आई नहीं, एल आई प्लस वन हो जाए, ठीक है, अगर प्लस वन हो तो क्या करो, तो क्या करो, उसको स्किप कर दो, उस केस में मैं आई आई में वैसे ही एक, सॉरी एच आई में मैं एक वैसे ही इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, और अदरवाइज मैं सिंपल सा काम करता हूं,
और वो ये कि मैं एच एल्स की सोलो कर देखे जी कि एच आई इंडेक्स पे जाके रखवा दूंगा क्या क्या एल्स का आई एथ इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम एक काम करते हैं वो ये कि यहां पे कर देते हैं क्या डिलीट, डिलीट कर देंगे हम एल्स और फिर कर देंगे एल्स इज इक्वल टू एच एल्स जो हीप लाइंस हैं, ठीक है। और एक काम और कर देते हैं वो ये कि जो एन ओ एल है उसके अंदर हम प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और करता हूँ छोटा सा, अभी तक वो जो मैंने लाइन का डिस्ट्रक्टर ना मैं नहीं बनाता, ये जो मैंने लिखा है ना ये मैं नहीं बनाता, ठीक है, मैंने डिलीट नहीं किया, ठीक है। डिस्ट्रक्टर बनाया लेकिन मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, उससे होगा कि हीप अरे पड़ी रहेगी, हीप अरे पड़ी रहेगी, ठीक है ना। यानी ये चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, ये वाली जो चीजें हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये अभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। तो उसका मतलब है ये वाले जो हैं वो भी वही पॉइंट कर रहे होंगे जो करते रहे, हमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखना क्या होता है, अभी तक जो मैंने कोड लिखा है वो क्या करेगा, कैन एनीबडी गेस के क्या करेगा। अच्छा, वाला ये हमने कॉल कर दिया हुआ है, हमने कॉल कर दिया हुआ है, इंसर्ट ए न्यू लाइन हमने ऐड कर दिया हुआ है जी। कैन एनीबडी गेस के अभी तक जो हमने कोड लिखा है उसके नतीजे में क्या होगा, क्या होगा अगर मैं इस जगह जाकर एंटर दबाऊं तो क्या होगा, क्या होना चाहिए निम्रा, एनी गेस क्या होना चाहिए निम्रा, सारा, मीरब, सना, डावर, जो भी है सारे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन पे चली जानी चाहिए और फर्स्ट लाइन खाली होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन खाली होनी चाहिए, सेकंड लाइन खाली होनी चाहिए। So, यहाँ पे फर्स्ट लाइन खाली होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, मुझे चाहिए ना बताओ, मैंने जो कोड लिखा उसके बारे में बताओ। एंटर के बाद एक नई लाइन बन जाएगी जो खाली होगी, बिल्कुल अगली लाइन जो है वो एक एम्प्टी लाइन बन जाएगी, ये देख नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, नहीं हुई, कैन एनीबडी गेस क्यों नहीं हुई, लिखना शुरू कर दिया, लेट मी चेक, लेट मी चेक, ये क्यों नहीं कर रहा, सो वेट अ मिनट, यस किया, ये देखिए जी बना दिया इसने, वहां पर डिस्प्लेइंग में कोई प्रॉब्लम आया। अच्छा, बाय द वे सारा खराब भी हो गया, ये इसके बाद सारा गंद भी मच गया है ना, सारा गायब भी हो गया, देखिए मसला है। तो क्या मसला है, क्या एनीबडी गेस, चलें जी देखते हैं, बग निकालते हैं क्या मसला है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दफा एंटर दबाऊं तो क्या होना चाहिए मेरा डॉक्यूमेंट में, चलें देखते हैं क्या होता है। Insert a new line, HI, अच्छा HI plus पे भी तो, यहाँ भी तो HI plus करना था, गंदे बच्चे, ठीक है, आप सही हो जाएगा, ये मसला हुआ। So मैंने enter दबाया, ठीक है, can you see this, मेरी 9 अपडेट हो गई है, ठीक है ना, ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई, एंटर दबाया वो यहाँ पे ना वो प्रिंट यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, वो प्रिंट यहाँ पे कॉल भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आया आई है, ये देख रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन बस एक गलती ये हुई है मुझसे कि हमें ना यहाँ पर ये जो हमने प्रिंट किया ये नहीं एंटर दबाते हैं ना, तो मैं प्रिंट हमने यहाँ कॉल किया हुआ है, प्रिंट हमें कहाँ कॉल करना चाहिए, प्रिंट हमें यहाँ पे भी कॉल करना चाहिए, ये समझ में आई बात, समझ नहीं आई है वो ना प्रिंट डॉक्यूमेंट जो है ना वो सिर्फ एक करेक्टर ऐड करते हुए कॉल होता है, आगे आगे कॉल नहीं होता, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, दोनों जगह कॉल आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ बल्कि इसको ऐसे करते हैं ना, इसको हम यहाँ पे भी कर देते हैं कॉल और इसको हम यहाँ पे भी कर देते हैं कॉल, ठीक है, ये मसला हुआ। तो मैं चलाता हूँ फिर दिखाता हूँ, बताता हूँ दोबारा, बताता हूँ, ये देखिए ये मैंने एंटर दबाया, ये क्या हुआ, डी एफ ये नई लाइन आ गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पुरानी वाली इरेज नहीं की इसने क्या, लेट मी चेक, सिस्टम सीएलएस लगेगा, पुरानी इरेज नहीं करता सर, वो पिछला डाटा दिखा रहा है तो क्लियर स्क्रीन हो गया, एक मिनट, इसको क्लियर स्क्रीन होना तो चाहिए था, सीएलआर, हाँ ठीक है, सीएस ठीक है, क्लियर स्क्रीन, सॉरी नहीं क्या था, सिस्टम सीएलएस, सिस्टम सीएलएस, तो हम करते हैं सिस्टम सीएलएस, ठीक है जी,
सो लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, ये दो गायब हो गए हैं, दो क्यों गायब हो गए, दो गायब तो नहीं होना चाहिए है ना, तो कोई गलती हुई है, क्या गलती हुई है देखें, मैंने इंसर्ट, अच्छा मुझे लगता है कि मुझे पता लग गया क्या गलती है मेरे ख्याल में, यहाँ मैंने एल्स लगाया था, इसको एल्स नहीं होना चाहिए, इसको बस सिर्फ ये होना चाहिए, क्योंकि वो जिस जगह एंटर हुआ है वहां पर तो उसने सिर्फ एम्प्टी रहना है लेकिन उसने कॉपी करते जाना है, तो मेरे ख्याल में ऐसे होगा, ये ठीक हो गया, ठीक है, वो क्या बग था आप खुद फिगर आउट करें, ठीक है, ये नहीं कि मैंने इतनी दफा मर्दी एंटर करेंगे, एंटर करते जाए, यहाँ मैं लिखना शुरू कर दूँ, लिखना शुरू कर देगा, ठीक है, ठीक है, ये नई लाइन पे आ गया, ठीक है, यूं गया पिछली लाइन पे आ गया, ये गया शुरू में आ गया, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, ठीक है, ये गया शुरू करना शुरू कर दिया, ठीक है, अच्छा ये बहुत स्लो हो गया, कैन एनीबॉडी गेस क्यों स्लो हो गया, ये गया ये इंतहाई स्लो, सिस्टम सीएलएस की वजह से, वेरी गुड पॉइंट, ये सिस्टम सीएलएस होने की वजह से बहुत ज्यादा बुरा लिख रहा है, कैन एनीबॉडी गेस के क्या करना चाहिए, सिस्टम सीएलएस क्यों स्लो कर रहा है इसको, जी क्योंकि वो पहले अभी नहीं बताना, हाँ कोई और बताएं, ठीक है जी कोई और बताएं, जी दावर, अब्दुल्ला, अनस, अमर, एसन, आदिल, वो पहले पिछला क्लियर करता फिर अगला प्रिंट करता है, इस वजह से उसको डिले आता है, बहुत ज्यादा डिले आता है, तो क्या करना चाहिए, वेरी गुड पॉइंट, क्या करना चाहिए, अब आएगा मजा, स्लीव माइनस में लगा दे, सॉरी क्या कर दे, स्लीव माइनस में लगा दे, नहीं स्लीव तो है ही नहीं, सिस्टम सीरियस उसका है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, यह मसला नहीं है, क्या करना चाहिए, हाँ जी आप कोई भी बताएं, आप निम्रत तुमने बताना, बताओ क्या करना चाहिए कि फास्ट हो जाए, हमें सिर्फ ना जो जो चेंज आया है ना, जो दो रोज में चेंज आया है, बस हमने वो अपडेट करनी, अपडेट मारना है, बाकी सबको वैसे ही लिखा रहने देना, वेरी गुड, बेसिकली जो प्रिंट फंक्शन है वो तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रिंट करता है, हमें हमें तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने एग्जैक्टली फिगर आउट करना है कहाँ पे राइटिंग करनी है और सिर्फ वही राइटिंग करनी है, एग्जैक्टली हमें सिर्फ वो लाइन प्रिंट दोबारा करनी है जो के अपडेट हो रही है, बाकी कोई भी लाइन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये सबको समझ में आई बात या नहीं आई, हमें तमाम डॉक्यूमेंट को क्लियर स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट रीराइट करना है जो के चेंज हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा इस वक्त कर्सर कहां पर है, ये मेरा इस वक्त मेरा कर्सर यहां पर है, तो अगर मैं लाइन नंबर 3 पे है जो कि लाइन नंबर 2 बनती है, अगर मैं इसको अपडेट कर रहा हूं तो मेरे सिर्फ इसके अंदर चेंज होना चाहिए, सिर्फ इस लाइन नंबर 3 में चेंजेस होनी चाहिए, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट फ्लिकर नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ यही लाइन रीराइट करनी है, दैट्स इट, ये बात समझ आई, एक्चुअली तो ये पूरी लाइन में रीराइट नहीं करनी, जहां पे मेरा कर्सर है उससे आगे मुझे रीराइट करना, ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई, ये देखो होना ही चाहिए कि अगर मैं यहां पर हूं तो सिर्फ एस, अगर मैं यहां पे ए प्रेस करूं तो सिर्फ ए एस डी एफ ये लिखा हुआ अपडेट होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होना चाहिए, पूरा कंसोल जो है वो, एक और चीज बताएं, जब हम कोई एक कैरेक्टर ऐड करते हैं तो एक कैरेक्टर ऐड करने पे हमेशा वो एक 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 साइज करके ही बढ़ा रहा है अभी, बिल्कुल एक एक करके बढ़ा रहा है, ठीक है, तो अभी तक तो एक ही बढ़ा, इससे भी स्लो नहीं होता, इससे भी तो स्लो नहीं, हो जाता है, नहीं, मैं वो तुम्हारी बात में समझ गया हूँ, अभी मैं आता हूँ वहाँ पे, वो क्या मसला है वो बताता हूँ, ठीक है, अच्छा एक और भी बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि क्योंकि मेरा जब मैं एंटर दबाता हूँ तो नया डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, ठीक है ना, तो नए डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिकली क्या है, अब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात जो बड़ी जरूरी है, हमने बेसिकली इस जगह को दो लाइनों में कन्वर्ट करा, इस लाइनों को दो लाइनों में कन्वर्ट करना है, ये समझ में आई है बात, जिस लाइन पे हमने स्प्लिट किया उसको दो लाइनों में हमने कन्वर्ट करना है, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट,
हाँ जी, ये समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सिर्फ ये दोनों लाइनें ही चेंज होनी चाहिए, नीचे कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये वो कैसे हैंडल करेगा? ये करेंगे, मतलब ये करते हैं। तो पहला काम तो ये करते हैं ना, जिस लाइन पे एंटर हुआ है उसको दो हिस्सों में बांट दें, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, उन दोनों हिस्सों में, दो लाइनों में कन्वर्ट तो करूं ना पहले, ठीक है। वो राइटिंग कहां करनी है, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनना है, वो बात की बात है, ठीक है। तो पहले मैं दो लाइनें बना रहा हूं, सो लुक एट दिस जी, तो मैं उसी स्प्लिट फंक्शन में आ रहा हूं, इंसर्ट ए न्यू लाइन में, ठीक है, और यहां आके सो लुक एट दिस, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं एक दो लाइनें बना रहा हूं, सो एक है लाइन नंबर वन, ठीक है, जिसपे अपडेट, सो लाइन एफ कर देते हैं और लाइन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा जी बताएं, मजेदार काम, टन टन, आपको ऊप की पावर नजर आएगी, क्या कमाल किस्म की पावर है। हाँ जी बताएं क्या करें, ये मेरी एल एस है और एक मेरी एल एफ है, क्या करना चाहिए मुझे, मुझे बेसिकली सिंपल सा एक काम करना है, मुझे एल पहले सी आई करेक्टर से पहले पहले तक, सी आई करेक्टर से पहले पहले तक मुझे कॉपी करनी है एल एफ में, और सी आई से ऑनवर्ड साइज तक मुझे किस में कॉपी करने हैं, एल एस में कॉपी करने, क्या बात है जी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं, सुने बात गौर से, हम ये करते हैं, मैंने ये नया नया बनाया, ठीक है, तो मैं करूंगा, सो I इज इक्वल टू जीरो, I इज लेस देन सी आई, I प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं इस ओरिजिनल लाइन की जो कि एल आई है, मैं उसके करेक्टर्स बाय करेक्टर उठाना शुरू कर रहा हूं। तो मैं करूंगा क्या, मैं कहूंगा एल एफ के डॉट इंसर्ट ए करेक्टर करो, पता किस जगह करो, तो यहां पर मैं कहता हूं एल, सो इंटीजर एल एफ आई, और उसकी वैल्यू कितनी है, शुरू में जीरो है, ठीक है। तो मैं कहता हूं एल एफ आई के ऊपर इंसर्ट करो, ठीक है, और इंसर्ट करने के फौरन बाद एल एफ आई प्लस प्लस करते जाना, ठीक है। और कौन सा करेक्टर तुमने इंसर्ट करना है, वो करना है एल्स की एल आई का कौन सा करेक्टर, डॉट, बल्कि नहीं डॉट है, नहीं डॉट, डॉट था, डॉट सीज होगा ना सर, डॉट सीज होगा, और इसके सीज का, इसका कौन सा करेक्टर, एल एफ आई होगा सर इसका भी, इसका नहीं आई एफ करेक्टर होगा, आई एल एफ आई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, देखिए बात है, ठीक है। चलिए एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एल्स एक पॉइंटर है, मसला तो नहीं होना चाहिए सर, ये हमारा एल्स आपने भी आपने ना, एलएस और दिस में भी एल्स आ रहा है, तो सेम आ रहे हैं, दो एल्स आ गए सर, दो, ओके ओके ओके, तो ये लाइन फर्स्ट है, इसको हम लाइन टू कर देते हैं, चलो ऐसे करते हैं, इसको हम एल वन कर देते हैं, और इसको हम बाकी इसको एफ रन देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज हो, राइट, आपका ना आप म्यूट कर दें, डावर और फहद आप म्यूट कर दें प्लीज, एक मिनट म्यूट कर दें, राइट राइट कर दें, लाइन लेफ्ट और लाइन राइट, हाँ लाइन राइट कर देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट राइट नहीं, ये ऊपर नीचे है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, लाइन ऊपर एल ओ, लाइन नीचे लाइन एल एन कर, ठीक है। और यहां पर हम कर देते हैं क्या, लाइन ऊपर, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा से लूप लगाते हैं, और अब जो लूप शुरू होगा, अब लूप दोबारा शुरू होगा, इंटीजर i इज इक्वल टू कहां से शुरू हो, सी आई से शुरू हो, और i शुड बी लेस देन क्या, एल्स की एल आई की डॉट कहां तक, साइज तक, और यहां पे हम कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ गए, यहाँ पर हमने अब इंसर्ट करना है, अच्छा अब हमने किस वाले में इंसर्ट करना है, हमने अब लाइन न्यू
इंडेक्स को सेट करना है, वैल्यू जीरो है, और यहां हम करेंगे एल न्यू डॉट इंसर्ट ए न्यू कैरेक्टर, और यहां हम क्या करेंगे जी बताएं? हाँ जी, यहां हम क्या करेंगे? एल एन आई एल एस जी, सॉरी यहां पे आ जाएगा एल एन आई, और यहां आ जाएगा एल एस एल आई, यहां क्या आएगा आप बताएं जी? डॉट सीज का आईएथ कैरेक्टर, ठीक हो गया, ये हमने ऐड कर लिया। अब हमने वो दो लाइनें बना दी हैं, हमने दो लाइनों में उसे कन्वर्ट कर लिए, और अब हम यहाँ साइज क्या करेंगे? वो साइज खुद ब खुद अपडेट होता जाता है, जो इंसर्ट है ना वो खुद ब खुद उसके साइज को अपडेट करता जाता है, ठीक है। तो हमने जिस लाइन पे एंटर मारा है उसको दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। अब तकसीम करने के बाद सिर्फ उसको कॉपिंग बाकी रह गई है, और वो हम क्या करेंगे? सो लुक एट दिस, ये है ना, यहाँ पे कॉपिंग हो रही थी ना, यहां पर बेसिकली दो चीजें हैं जिनमें चेंज होना है। एक है अगर आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एल आई के बराबर आ जाए। जब एल आई के बराबर आ जाए तो हमने उस जगह क्या कॉपी करना है जी बताएं? जी बता सकते हैं आप क्या करना है? हमने बेसिकली अब मजेदार काम करना है, ये देखें गौर से मेरे पास, यहां पर हमने एक काम करना है, अगर आई इज इक्वल टू एल आई के बराबर हो जाए तो हम क्या करें जी? बताएं क्या करें? हमने एच एल की एच आई के ऊपर जाके क्या रखवाना है? फर्स्ट वाली लाइन रख देंगे, फर्स्ट वाली लाइन रखवानी है, तो वो कौन सी थी? एल 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 एफ लो एल एफ ओ वाली एल ओ थी, ओ एल ओ थी, ठीक है, ये रखवा दिया। फिर साथ हमने एक और काम भी किया, और साथ हमने एच आई प्लस प्लस कर दिया, तो वो लाइन कॉपी हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद दोबारा से एच एल एस की एच आई पे क्या रखवा दें? न्यू लाइन, जो न्यू लाइन है, जो सॉरी ना, जो न्यू लाइन है नहीं, लोअर लाइन, क्या नाम था, न्यू लाइन था, नीचे वाली लाइन, नीचे, ठीक है, ये कर दिया, और फिर दोबारा एच आई में प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और उस केस में हमने एल्स कर दिया, कुछ भी नहीं, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो अगर i की वैल्यू एल आई के बराबर हो जाए तो उस केस में ये दोनों कॉपी करो और दो दफा इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? अदरवाइज हम एक ही दफा कॉपी करेंगे, और बाद में ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेस इसने एक दफा तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यस सर, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ये वाला अच्छा खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया, ये बात समझ आएगी, ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन। सो लुक एट दिस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स सी क्या होता है। निम्रा एंटर, वाह जी वाह, ओए नहीं नहीं, मसला हो गया, क्या हो गया, ये मसला क्या हुआ है? कुछ ना कुछ मसला हुआ है, ठीक है, तो लेकिन आई डोंट नो, हाँ कुछ ना कुछ मसला हुआ है, सो लेट्स सी। सर उसने लाइंस को रिवर्स कर दिया है, वो उल्टी हो गई थी लाइंस, एक मिनट, उल्ट नहीं होना चाहिए, एन आई एंड पे चला गया, ये क्या हुआ है? Yes, वो उल्टी हो गई है सारी सर। उल्टी ऐसे हो गई है, उल्टी तो नहीं होना चाहिए था। सारा कुछ उल्टा हो गया, नहीं सिर्फ पहली लाइन उल्टी हुई है, ये क्यों हुआ ऐसे? ये बड़ी अजीब सी बात, सारा का ए खत्म होके वहां पे एम आई एन आ गया, और नहीं वो पूरी लाइन, वो कह रहा है पूरी लाइन ही फ्लिप हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलो आगे जाकर करते हैं, देखो यहाँ जाकर करते हैं, यहाँ पे जाके मैं ए बी सी को नीचे करता हूँ। अच्छा वो लाइन नीचे आती है लेकिन वो उलट हो जाती है, CBA हो जाती है, ये बड़ी बदतमीजी वाली बात है। अच्छा एक मिनट देखते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक्चुअली ये सेकंड लाइन जो है ना, ये कॉपी ठीक नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा क्यों सही नहीं हो रही? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, हमने कहा लाइन नंबर ये जीरो से शुरू करे, या ओह क्या गलती है, इसको देखें और इसके अंदर देखें और इसको देखें, कुछ नजर आ रहा है? शर्म आनी चाहिए हमें। जी सर, LNI प्लस प्लस सर, प्लस प्लस नहीं करना, हम हमेशा जीरो से इंडेक्स पे ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो लाइन जो है वो उलट हो जाती है, तो यहाँ पे LNI प्लस प्लस करना था। तो ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे खत्म कर देते हैं, यहाँ पे हम दोबारा चलाते हैं। ये हमने एंटर दबाया, वाह जी वाह, ठीक है जी, ये गए यहाँ पे जाके हमने सारा को साइड पे कर दिया जी, ये साइड पे हो गया। Does it make sense?
और अभी ए बी सी को भी साइड पे करें, ए बी सी को भी साइड पे कर देते हैं, ये देखें ए बी सी को भी साइड कर देते हैं, ठीक है, ये सही है, डज इट मेक सेंस? हां ठीक है, और यहाँ पे हमने जाके इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा आप एक छोटी सी बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि सारे अपडेट नहीं होना चाहिए, सारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, वो काम हम कैसे करेंगे? अच्छा ये आपने खुद सोचना है, मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा प्रिंट को मॉडिफाई करना है इस तरह, अभी तक हम पूरा प्रिंट ही आउटपुट कर देते हैं, हमें बड़ा केयरफुल बैक स्पेस भी तो करना चाहिए कि एबीसी बिल्कुल बिल्कुल ये जो काम था। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, निमरा ने एक बात की है, बैक स्पेस से क्या होता है, नोटपैड में गए और यहाँ पे हूँ मैं और मैं कहता हूँ यहाँ पे बैक स्पेस, तो क्या होना चाहिए? करेक्टर रिमूव हो जाएगा पिछला वाला, एक करेक्टर रिमूव हो जाना चाहिए। चलें ये ऐड करते हैं, एक करेक्टर रिमूव कैसे करेंगे, यानी ये मैं करूं तो क्या होना चाहिए बैक स्पेस? तो पहला तो काम ये करना है, पहले तो हमने ये देखना है बैक स्पेस की क्या है, ठीक है, बैक स्पेस की 8 है सर, 8 8 होती है, ठीक है ना, तो वो और वो बाद में कोई स्पेशल की नहीं होती, ठीक है, बैक स्पेस बड़ी सिंपल सी होती है, ठीक है, तो उस और उसके लिए इसका मतलब मुझे बताएं क्या करेंगे हम टेक्स्ट एडिटर डॉट सी में जाते हैं, कहां पे जाके इफ लगाएं? एल्स इफ में, क्या ये जी बताएं, क्या मैं इसके इसके अंदर लगाऊं 224 वाले के इफ के अंदर लगाऊं या उसके बाहर लगाऊं? 224 के बाहर, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली स्पेशल की नहीं है, बैकस्पेस इज अ नॉर्मल की और इसकी की जनरेट होती है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके लिखता हूं क्या इफ जी, क्या करूं मैं, इफ की वैल्यू क्या है, और ये बाय द वे ये मैं यहां लिख देता हूं, हाँ जी, इफ की वैल्यू क्या है, सो सी एच, सी एच था डी था, डी डबल इक्वल टू 8, ठीक है, तो मैं सी आउट करता हूं, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सी आउट और मैं कहता हूं लेट से कौन सी वाले की प्रेस, बैक स्पेस प्रेस, और मैं करता क्या हूं, बैक स्पेस को मैं कैसे, मैं लेट से एक काम करता हूं, गो टू रो कॉलम और मैं लेट से 10, 10 पे ले जाता हूं एमिंग, ताकि मैं नीचे दिखा दूं कि आउटपुट आ रही है, बैक स्पेस प्रेस्ड, ठीक है, ठीक हो गई बात, यहां पे मैं ताकि मेरे डॉक्यूमेंट में ना लिखे वो, ठीक है ना, यहां आ गए, ओके ये है, इसको हम बंद कर देते हैं, कंट्रोल F5, ओके क्या हुआ, ये क्या हुआ, इफ डी डबल इक्वल टू 8 यही है ना, और डी हमने, अच्छा ये इस इफ ये नहीं होगा, सॉरी इसके अंदर आपने केबी हिट्स के बाहर लगा, हाँ केबी हिट के बाहर लगा दिया इसको, केबी हिट के अंदर होना चाहिए, सॉरी, तो ये हमारा ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा इसके अंदर होना चाहिए, है ना, सॉरी कंट्रोल जी यहां था, यहां पे आ गया, तो एक ब्रैकेट ऊपर जाना है यहां पे, ठीक है, और यहां जाके मैंने एंटर प्रेस किया और देख लीजिए बैक स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है तो बैक स्पेस केस में हमें क्या करना है ये देखना है, ठीक है, तो वो हम करते हैं, बैकस्पेस के केस में उसने ए हटा दिया है वहां से, वो तो इसलिए हटाया, कैन एनीबॉडी गेस क्यों हटाया, क्योंकि उसने बैकस्पेस करेक्टर डिस्प्ले किया जाके और उसकी वजह से वो पीछे चला गया, ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या करना से जी, तो हम एक काम करेंगे, बैकस्पेस अगर हो तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली रिमूव करना, ठीक है, तो रिमूव ए करेक्टर, तो यहाँ पे हम किसमें जाके एक फंक्शन बनाए, किसमें जाके एक फंक्शन बनाए बढ़िया बताए, ये लाइंस में बनेगा सर, किससे बनेगा, लाइंस में, लाइंस में, लाइन में भी बनेगा और डॉक्यूमेंट में भी बनेगा, डॉक्यूमेंट में क्यों बनेगा सर, डॉक्यूमेंट में वो लाइन को कॉल करेगा, क्योंकि वो मतलब जिस तरह हमने अभी स्प्लिट किया है वैसे अब हमें जॉइन कंकेटिनेट भी तो करना पड़ेगा, कंकेटिनेट नहीं करना पड़ेगा लेकिन जो लाइन है लाइन ने अपडेट होना है और कौन सी लाइन ने अपडेट होना है वो तो डॉक्यूमेंट को पता है, ठीक है ना, वो तो डॉक्यूमेंट को बताया, तो हमें डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फलानी लाइन का ये वाला कैरेक्टर रिमूव कर दो, ठीक है,
तो वो हम अभी जाके ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहां जाते हैं, जाके टेक्स्ट एडिटर डॉट एच, इसमें हमने तो दोनों चीजों पे हम काम करते हैं। पहले हम यहां जाएंगे, यहां जाके जिस तरह इंसर्ट ए करेक्टर लिखा था इस तरह हम जाके लिखेंगे void, जी डिलीट ए करेक्टर, करेक्टर एट, इसको सिर्फ इंटीजर आई पास होगा, ठीक है। ये क्या करेगा जी, बताएं क्या करेगा? पहला तो बड़ा सिंपल सा, हाँ जी बताएं क्या करेगा? इफ सो यू आर अज्यूमिंग कि आई जो है वो उसके अंदर ही है, हाँ जी क्या करें? एक नई अरे बना ले, क्योंकि हम मेमोरी जाया नहीं करना चाहते, तो मैं एक करेक्टर स्टेरिक ही परे नई बनाऊंगा। तो कितने साइज का बनाऊं? न्यू एंट कितने साइज का? पहले साइज प्लस 2 होता था, है ना? आप कितना होगा? साइज माइनस साइज प्लस 1 का होगा। साइज प्लस 1 तो था, अगर डिटो कॉपी बनानी हो, डिटो कॉपी तो नहीं बनानी, कम साइज की बनेगी सर, साइज की बनेगी, ठीक है। और ये न्यू सर्वर न्यू करेक्टर होगा, करेक्टर होगा, ठीक है। और यहां पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, सो लुक एट दिस जी, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, सो लुक एट दिस जी, मैं ये एक जीरो है और एक हमारा हीप इंडेक्स है, इसकी भी वैल्यू जीरो है। और यहां हम क्या करेंगे, यहां हम करें सो ये भी आई है ना, तो मैं एक मिनट, ये है सी आई, ये है सी आई, और यहां पे है ये एच आई बना दिया, सी आई इज लेस देन और इक्वल टू साइज, और ये हो जाएगा सी आई प्लस प्लस, और हम यहां क्या करेंगे, सो लुक एट दिस, हमने कहा जिस जगह जाके एंटर प्रेस करो, और हमने क्या करना है जी, हमने कहा आईएथ करेक्टर डिलीट करना है, तो आईएथ करेक्टर डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हम ये करेंगे कि इफ सी आई की वैल्यू डबल इक्वल टू आई के बराबर आ जाए, उसने कहा आईएथ करेक्टर जाके डिलीट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे सर, वो वाली वैल्यू स्किप कर देंगे और बाकी वैसे की वैसे कॉपी, बेसिकली इसका मतलब है आई माइनस आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, उसे स्किप करवा देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे हीप अरे के एच आई इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दो, जाके रखवा दो, हाँ जी क्या था, सीज का आई एच इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डिलीट कर दो क्या सीज, सीज को बराबर कर दो किसके, हीप अरे के, और क्या कर दो सर, साइज माइनस हो जाएगा, साइज माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डिलीट ए करेक्टर सीज का सर सी आई इंडेक्स नहीं होगा, सीज का सर आई तो हमारा वो एक इंडेक्स है, बिल्कुल ठीक बात, यहाँ पे सी आई होगा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और यहाँ पे भी आई प्लस प्लस नहीं होगा, सी आई प्लस प्लस होगा, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, ठीक है सर जी। एच आई प्लस प्लस नहीं किया, एच आई प्लस प्लस नहीं किया, तो वो यहाँ पर जाके बचा, एच आई प्लस प्लस, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो यहां जाते हैं, और अब हम यहां जाते हैं, थोड़ा सा जोर केयरफुली देख लेते हैं, तो ये देखें मेरी बात सुनो, पास मैं इस वक्त कौन से कैरेक्टर पे हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो 00 पे, 00 पे हूं, यहां पर अगर मैं बैकस्पेस दबाऊं तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो उसको ऊपर आ जाना चाहिए, वो नीचे ये लाइन उसी लाइन में मर्ज हो जानी चाहिए, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर हूं, इस वक्त हमारे कर्सर की पोजीशन क्या है, जीरो है या वन है, इस वक्त मेरे कर्सर की पोजीशन क्या है, अभी क्या है, वन, सी आई के जीरो, अब जीरो है सर, सीसी की जीरो है, अब सीसी की पोजीशन क्या है, वन हो जाएगी, वन है। और अगर मैं बैकस्पेस करूं तो किसको डिलीट होना चाहिए, डी को या एस को, एस को होना चाहिए, तो यानी जो पिछला करेक्टर है उससे जो पिछला करेक्टर है वो डिलीट होना चाहिए, ठीक है ना। yes. तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना है, हमने वो ये कि हम अब लिखने लगे हैं इंसर्ट ए करेक्टर जैसा था, बिल्कुल ऐसा ही हम डिलीट ए करेक्टर लिखने लगे, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, void, बेसिकली मैं इसके ऊपर लिखता हूं, void डिलीट डिलीट ए करेक्टर, ठीक है, एट, इसको भी एल आई पास होता है और इसको भी सी आई पास होता है, मुझे बता सकते हैं आप ये किसका डॉट डिलीट कॉल करेगा
एलएस का एलआई होगा, एलआई होगा, इसका डिलीट कॉल होना है जी। कौन सा इंडेक्स? जेनेरिक लिख रहे हैं। हाँ जेनेरिक लिख रहे हैं डिलीट, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा लिखने, ठीक है। हाँ जी, ये कौन सा कैरेक्टर डिलीट करे, सीआई इंडेक्स या सीआई माइनस वन? सीआई इंडेक्स या सीआई माइनस वन, ये बताएं। माइनस वन, शाबाश, सीआई माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हम जिस जगह पे एंटर बैकस्पेस करते हैं उससे पिछला कैरेक्टर डिलीट होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और एक और काम भी होता है, बताएं जी क्या काम होता है। मैं अगर यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां पे बैकस्पेस करूं तो बैकस्पेस के नतीजे में मेरे कर्सर की पोजीशन चेंज होती है नहीं होती? मेरे कॉलम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या रो में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है? सर कॉलम में डिक्रीमेंट हो जाएगा, कॉलम में डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बैकस्पेस पे गए, यहां जाके हमने एक और काम किया, और वो काम क्या है? सो लुक एट दिस जी सीपीपी, यहां जाके अगर डी है तो हम कहेंगे ए डॉक्यूमेंट, ए डॉक्यूमेंट जी डिलीट ए करेक्टर। इसमें हम क्या पास करेंगे, हम कहेंगे जिस करेक्टर पे भी तुम हो, यानी के आर आई और सी आर सी सी, इसको जाके डिलीट कर दो, ठीक है। और साथ एक और काम करो, सी सी में माइनस माइनस कर दो, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा अब एक और बात सुने, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा बात सुने, और बाद में हम इसको डॉक्यूमेंट को दोबारा भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल यह है कि डॉक्यूमेंट को यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। चलो तो लुक एट दिस जी, मैं यहां गया और यहां जाके मैं बैकस्पेस करता हूं, सी डिलीट हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आपने डिस्प्ले कराने के बाद क्यों सीसी माइनस किया? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्प्ले, यहाँ यहाँ डिलीट, ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट होता है और फिर वो डिलीट नहीं हो रहा। सर हमने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवाया है। आप सीआई माइनस माइनस पहले करेंगे ना प्रिंट कराने से, डिलीट हो रहा है वो, डिलीट नहीं हो रहा वो। तो लेट्स सी क्या हो रहा है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं यहां गया, यहां जाके मैं सो डीबग करता हूं, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। एरर तो आने चाहिए, एरर दाग तो अच्छे हैं, कहते हैं ना इस तरह का, ये एरर तो अच्छे हैं, ठीक है। तो यहां से हमने इसको डीबग पॉइंट हटा दिया, F5 प्रेस किया, और यहां जाके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने ई को डिलीट करना है, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, थोड़ी सी साइज बड़ा कर दें। मैंने कहा मैंने ई को डिलीट करना है, ठीक है। और अब होना ये चाहिए कि मैं एंटर प्रेस करूं तो यहां आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जी सी आर की वैल्यू 1 है, सी सी की वैल्यू 3 है, सी सी की वैल्यू 3 है। ये तो वैसे ही कर रहा है ना, क्योंकि उसने कैरेक्टर एंटर बैकस्पेस से करते हैं ना, वो उसको रिमूव करता है। डिलीट हो गया ना? हाँ हो गया। तो अच्छा वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ना एल्स, मैंने यहाँ पे गलती ये हुई है, गंदा बच्चा, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। क्या गलती हुई है पता? ये एल्स इफ होना चाहिए, और ये एल्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसको बेसिकली होना चाहिए था, ओहो इंसर्ट एल्स इफ होना चाहिए था, और यहाँ पे डी होना चाहिए था, और यहाँ पर जाके एल्स होना चाहिए था। ये बात समझ में आई क्या हुआ है? वो बेसिकली बैकस्पेस को भी एज ए करेक्टर इंटर करवा देता है, और उसकी वजह से मसला हो रहा है। सो लेट्स सी अब क्या होगा। तो यहां गए, देख लीजिए डिलीट हो गया, ये बात समझ आ गई। और यहां पे जाके मैं दोबारा से एच प्रेस किया, एंटर हो गया, ठीक है। ओ धूफ, पता नहीं ये क्या करेक्टर होता है, ठीक है, ठीक है। एक बार बैकस्पेस प्रेस करें, ये नहीं बैकस्पेस, ठीक है। अच्छा आप अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा?
आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये कैसे होगा ये आपने खुद सोचा है, ठीक है? ये बात समझोगे? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऐसे ही डिलीट भी होगा, मतलब जैसे बैकस्पेस प्रेस करने पे वैसे डिलीट प्रेस करने पे वो पिछली लाइन पूरी उठ, बिल्कुल पिछली लाइन पूरी उठ के आ जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने नई लाइन ऐड की थी ना, इस तरह में मर्जिंग लाइन वाला भी बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे हम अगर सारा पे खड़े हुए हैं, सारा के ए पे खड़े हुए हैं, अगर बैकस्पेस प्रेस करें तो ए डिलीट होना चाहिए, और अगर डिलीट प्रेस करें तो आर डिलीट होना चाहिए। बिल्कुल, तो डिलीट कमांड भी आपने देखनी है कि डिलीट का क्या है, और वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और जो डिलीट है वो फंक्शन आई थिंक वही होगा, क्योंकि डिलीट करेक्टर एट है ना, वही यूज हो जाएगा। बिल्कुल, ये ना तुम ज्यादा बताना शुरू हो गई, ठीक है? समझ में आ गया नमना ने क्या कहा है? डिलीट प्रेस करने से कौन सा कोड बताया उनको? हाँ सर, डिलीट में बेसिकली अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, तो डिलीट में सिर्फ कुछ भी नहीं होना, सिर्फ एक लाइन लाइन एक लाइन का एक करेक्टर का फर्क है बस। ये डिलीट होना है, एफ डिलीट होना है, और कर्सर पोजीशन चेंज नहीं होनी। सो दैट्स द डिफरेंस। सर ये जो हमारे कीबोर्ड पे की होती है कंट्रोल, इसकी स्पेशल की क्या होती है? बिल्कुल, कंट्रोल की कोई नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल के बाद जो आप प्रेस करेंगे उसकी होती है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, ठीक है? अच्छा ये ध्यान में रख लें कि आपका पूरा का पूरा जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपने नोट पैड पे काम करना है, ठीक है? और आपकी अगली जो वीक में क्लासे हैं उसमें हम नए काम करेंगे, ठीक है? लैब भी आप लोगों की जो मंडे को है वो लाइव है, आप लोगों ने यहाँ आना है, आपका पूरा पार्ट वन मार्क होगा, ठीक है? इट विल बी ए सिग्निफिकेंट वेटेज प्रोजेक्ट जो कि आपका नोट पैड है, ठीक है? उसमें आपने मजीद क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो आपको मंडे को आपको पूरा का एक्चुअली जो असाइनमेंट है ना आपकी, ये इस पे अब आपको काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? ये एक हेल्पिंग फंक्शन है जो कि आपको बनाना है, टू अपर टू लोअर का। ये क्यों है ये आपको, ये मैं थोड़ा सा असाइनमेंट को गो थ्रू कर देता हूँ। एक्चुअली अगर आपको आपके जो एडिटर है ना, उस एडिटर में आपने ये तमाम फंक्शनलिटी ऐड करनी। कैसे? मैं जिस वर्ड पे हूं ना, मैं उसे कहूँ टू अपर हो जाए, तो एक की हम लिखेंगे, लिखेंगे कंट्रोल यू। तो जिस वर्ड पे आप है ना, वो वर्ड टू अपर में कन्वर्ट हो जाए। क्या मतलब इसका? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ, सो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल में हूं, कंट्रोल सी, नोट पैड, और ये, और लेट्स से कि मैं यहां मौजूद हूं, जिस वर्ड पे मैं खड़ा हुआ हूं ना, जिस वर्ड पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे कंट्रोल यू प्रेस कर दूं, क्या कंट्रोल यू, तो उसके नतीजे में ये होना चाहिए कि ये वर्ड वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो अगर मैं कहूं कि इस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस वर्ड पे मैं खड़ा हूं, और मैं कहूं कंट्रोल क्या, कंट्रोल एल प्रेस करूं, इसका मतलब ये टू लोअर में कन्वर्ट हो जाए। जिसका मतलब है ये, अगर मैं जिस जगह पे हूं उससे पीछे और उससे आगे कंटिन्यूसली जो जो लेटर्स हैं उनको वो उसको उससे आगे और उससे पीछे सबको बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट कर दे, तो ये बेसिकली बन जाएगा इनसेंसेटिव है ना, तो ये बेसिकली यू बन जाएगा इनसेंसेटिव, ठीक है? ये मेरा इसका शॉर्टकट है, ठीक है जी? अच्छा इसी तरह होगा ये फाइंड सेंटेंस। अगर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूं तो कंट्रोल एफ प्रेस करने का मतलब है मैंने फाइंड करना है, और इसकी हर एक की आपने डिफरेंट डिफरेंट की बना ली, हर फंक्शनैलिटी की आपने डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट आप शुरू में एक एक शॉर्टकट की बना दे जिसमें आप प्रेस करें तो वो आपके कंसोल पर दिखा दे कि फलाने की ये की है, फलाने की ये की है, फलाने की ये की है। आपको अगर की देखनी है किसी चीज की तो वो बड़ा आसान सा तरीका है। मैं आपके सामने एक प्रोग्राम नया लिख रहा हूं, ये मैं सारा कुछ अब कमेंट कर रहा हूं, ठीक है? So, मैं गया अपने टेक्स्ट एडिटर में, याद है ये था ना, ये देखिए ये मैंने की रिसीव वाला कोड उठा, और मैं आपको किसी भी, मैं छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिससे कि बता दे कि फलाने की क्या होती है, फलाने की क्या होती है, ठीक है? तो लुक एट दिस, यहाँ मैं गया और कुछ भी नहीं, मैंने ये कॉपी किया और ये मैं नोट पैड पे गया और सोर्स डॉट सी पी पी, इसको मैं मेन टेक्स्ट एडिटर कर देता हूँ,
और यहां जाके मैं इंट मेन लिखता हूं, और यहां जाके मैं बल्कि ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, सो लुक एट दिस चीज, ये मैंने केबी हिट किया हुआ है ना, केबी हिट के लिए क्या इंक्लूड करना पड़ता है बेटा, इंक्लूड कोनायो डॉट एच, कोनायो डॉट एच जी सर, कोनायो डॉट एच। और सिंपल सा मैंने काम किया, अगर केबी हिट हुई है तो वो रिसीव करे, और जाके इसको डिस्प्ले कर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, कहा जो भी की प्रेस हो उसका तुम ये डिस्प्ले कर देना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक ये मैंने कोड लिख दिया। तो मैंने कहा अगर कोई की प्रेस हुई है तो उसका मुझे उसको रिसीव करे, और वो उसका इंटीजर मुझे डिस्प्ले कर दे, ठीक है। सो लुक एट दिस, तो आपने याद रखना है कुछ चीजें, मैंने हैंडल दबाया, हैंडल लिखा था, इसको एंडल सर, एंडल एंडल दो दफा एंडल कर, ठीक है। तो लुक एट दिस जी, कंट्रोल F5, ये देखिए जी। अच्छा अगर मैं आप कैपिटल ए प्रेस करूं तो क्या होगा, क्या आएगा 65, और अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करूं तो क्या आएगा 97, ठीक है 97 आ, ठीक है। अच्छा आप देखो और से, अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो क्या आएगा 8, वो देखो 8 आया लिखा, ठीक है। अगर मैं स्पेस प्रेस करूं तो क्या आएगा 32, और अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो क्या आएगा 13, वो देखो 13 आ रहा, ठीक है। आप गौर से मेरी बात सुनो, अगर मैं अप एरो प्रेस करूं तो क्या आएगा, दो आएंगे, क्या क्या आएंगे 224 आएगा, एक 224 आएगा, और दूसरा और अप का जो सा होगा सर वो होगा 72, ये देखें 224 और 72 दो जनरेट हुए, डाउन के फिर दो हुए, राइट के भी दो हुए और लेफ्ट के भी दो हुए, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको डाउन ये नीचे कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं। सो लुक एट दिस जी, आप देखना मैं क्या करता हूं, और अब मैं एक काम करता हूं। सो लुक एट दिस जी, अब देखना मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने एरो की प्रेस कर रहा हूं, देखना की प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल ए, देखना क्या होता है, ये देखें कंट्रोल ए, सॉरी कंट्रोल ए, एक मिनट क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल कर रहे सर कंसोल के, वो ना मैंने इसमें ये सेलेक्ट वाला कर दिया इसको, मुझे मुझे इससे ना इसको की वापस देनी है, हाँ आप ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो। तो कंट्रोल ए, ओहो कंट्रोल ए से ये आ रहा है, नॉट नाइस। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल का 12 देता है, कंट्रोल के का 11 देता है, कंट्रोल जे का 10 देता है, कंट्रोल एच का 8, कंट्रोल इसका फिर ये तो फिर स्वैपिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा एक और सुनते हैं, F1 का देखो क्या क्या है, F1 का है 059, दो करता है, ठीक है। और इसी तरह F2 का भी कुछ है 060, F3 का है 061। अच्छा कंट्रोल F1 क्या करता है, वो 096 करता है, ये देख रहे हैं आप, कंट्रोल F2 जो है वो 095 करता है, ये समझ में आ रही बात। इसी तरह कंट्रोल अप का कुछ और करता है, अच्छा अच्छा ये कंट्रोल अप तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कंट्रोल इस तरह F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, और इस तरह से कंट्रोल F1 है। ये आपको ना एक्चुअली कंट्रोल के थ्रू करने हैं और इसके थ्रू आपको सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ आप देख लीजिएगा जो यूनिकली आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल पी है, कंट्रोल पी अभी ये कंट्रोल पी जो है वो एक जनरेट कर रहा है, जो कितनी मजेदार बात है, इसको दो करने चाहिए थे, बट खैर ठीक है, ठीक है, ठीक हो गई बात। जिन जिनको आप कंट्रोल बेस्ड मुझे वो शुरू में मैंने सारे शॉर्टकट देखने हो तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूं तो वो बेसिकली सारे मुझे शॉर्टकट दिखा दे कि फलाने का शॉर्टकट ये है, फलाने का शॉर्टकट ये है, तुम्हें लिखा हुआ आ जाए, ठीक है।
ये समझ में आ गई बात? अच्छा, आप ये प्रोजेक्ट के ऊपर आप फुल फ्लेज काम करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं इसकी अच्छी खासी वेटेज है। और अब टास्क क्या है मैं आपको उनके ऊपर गो थ्रू करवाता हूं। जी, कंट्रोल एल, ये कंट्रोल यू और कंट्रोल एल का समझ में आ गया था? ठीक है सर, इसका क्वेश्चन है सर कि ये पूरी अरे को करेगा आप में या सिर्फ जो वर्ड होगा? इस वर्ड पे होगा, जो इस वर्ड, जो वर्ड होगा उसको पहले एक्सट्रैक्ट करेगा और उस वर्ड को बेसिकली वो अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अच्छा। और एक और तरीकेकार होता है, वो ये कि आप ना साथ थोड़ा सा वो भी लगा लें, जैसे ये देखा आपने, अगर मैं किसी कोड पे हूँ, फॉर एग्जांपल इस कोड पे हूँ, तो आपने देखा कंट्रोल कंट्रोल के कंट्रोल सी, इसे क्या होता है? ये आपने देखा कभी व्यू के अंदर, लेकिन एडिट के अंदर होगा कमेंट, कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है ना, ये इसमें दो कीज आपको प्रेस करनी पड़ती है, कंट्रोल एम प्लस कंट्रोल एम, इसका मतलब पता क्या होता है? ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सर कंट्रोल के और कंट्रोल सी से तो कमेंट कर देता है, तो वो बेसिकली पता है करता है वो ना बेसिकली। अब एक और तरीका ये है कि आप एक काम करें कि कॉम्बिनेशंस रख लें, कि थोड़ी देर का वेट करें, यानी अगर विदिन वन सेकंड ये की और ये की जनरेट हो जाए ना, तो अगर ये की जनरेट हो और विदिन दिस मैनी सेकंड वो दोबारा से कोई की जनरेट कर दे, तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रेस किया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लुक एट दिस, लुक एट दिस। So, मैं एक आपके सामने एक कोड लिख रहा हूं। सो लुक एट दिस, मैं अब आपके सामने कंट्रोल, सो कंट्रोल एस का मतलब है मैं कोई शॉर्टकट की लिखने लगा हूं और फिर मैं दोबारा जो लिखूंगा वो मेरा मेरा कहलाएगा। तो लुक एट दिस, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं इंट की वन और मैं कहता हूं की टू। ठीक है, और सो लुक एट दिस, इसकी वैल्यू है इक्वल टू माइनस वन और इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू माइनस वन, ये इसका रीसेट स्टेट है। ठीक है, तो मैं कहता हूं void reset, reset keys, और इसमें मैं इंटीजर m% k1 भेज देता हूं और इंटीजर m% k2 भेज देता हूं। ठीक है, और ये की k1 को भी माइनस वन कर देता है और k2 को भी माइनस वन कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने की बनाई हुई है, अब देखना मैं क्या करता हूं। अच्छा, एक काम हम और करते हैं, यहां पर लिखते हैं ऊपर मैं एक इंक्लूड कर रहा हूं एक क्लास जिसे कहते हैं टाइम। निम्रा, ये हमने इनको टाइम के बारे में बताया था? मैंने बताया था टाइम डॉट एच, तो टाइम डॉट एच इंक्लूड करते हैं और यहां पर ना एक टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टी जीरो। ठीक है, बल्कि टी रख देते हैं ना, बल्कि टी प्रीवियस रख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम रखते हैं टी नेक्स्ट। ठीक है, ऑल राइट, प्रीवियस ये नहीं बताया था, बस मैंने वो बताया था वो सीड वाला सीन। हाँ, वही बता रहा हूँ, टाइम जीरो, बस और कुछ नहीं बताया। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, ये क्यों कह रहा है? और यहाँ आ गए, यहाँ पे हमने टाइम की बना दिया, ये क्यों कह रहा है? टाइम बना ही नहीं है वो, मुझे सी टाइम नहीं होता, एक सी टाइम, ये टाइम होता है सी टाइम डॉट एच, नहीं सी टाइम सिर्फ, नहीं सी टाइम ऐसे। अच्छा सही है भाई, सही कह रही हो, सी टाइम होता जी। ठीक है, अच्छा नहीं तो वो अभी भी नहीं एरर, अभी तो वो ये कुछ और कह रहा है, इसको इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ टाइम जीरो। एक मिनट, ये क्या कह रहा है भाई, ये क्यों कह रहा है? टाइम टाइम अंडरस्कोर टी होता है, सॉरी जी, सॉरी, टाइम अंडरस्कोर टी होता है। ठीक है, तो लुक एट दिस जी, ये है जी टाइम अंडरस्कोर टी। ठीक है, ये टी नेक्स्ट, ये दोनों मैंने में कोई वैल्यू नहीं रखी। अच्छा, होता क्या है बेटा, ऊपर भी टाइम डॉट एच ही होगा। हाँ, वो टाइम डॉट एच ही होगा, डॉट एच। ठीक है जी, अच्छा अब हम यहाँ गए। अच्छा, इसमें ना आपको सामने में एक बड़ी मजेदार चीज कर रहा हूं, वो ये, हाँ अगर कोई की प्रेस हुई है, अगर कोई की प्रेस हुई है तो उसको मैं रिसीव करता हूं। ठीक है, अच्छा नाउ लुक एट दिस, मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कंट्रोल एस, कंट्रोल एस अगर दो दफा हो तो इसका मतलब है कुछ करे, लेट्स से केस सेंसिटिव वाला केस चले। तो मैं करता हूं कि मैं कहता हूं जी, यहां पर लिखता हूं बूल इज
फर्स्ट, ठीक है, और इस फर्स्ट को इज इक्वल टू मैं ट्रू कर फॉल्स कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल सा काम किया हुआ। कोई भी की प्रेस होती है तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस से मैं जब भी मेरा शुरू होगा ना तो कंट्रोल स्टार्ट हो गया है। ओके ओके ओके, तो आप लोग बिलीव कर सकते हैं, मैं एक छोटी सी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं आपसे ना शेयर कर दूंगा कि कैसे आपने ये चीज करनी है, ठीक है। यू कैन लीव, सो मैं ना एक मिनट एक काम करता हूँ, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।